वक्त हो चला है डेली राउंड अप का। आज का डेली राउंड अप का जो प्रमुख मुद्दा है वो है हिंदुस्तान की टीम किसी भी टीम से कम नहीं है, चाहे कोई कितनी भी बात कर ले, लेकिन हमें फ़क्र है कि हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं जिसके अंदर हमने इतनी बड़ी टीम तैयार की है टीम इंडिया के नाम पे। और आज चाहे टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई हो, लेकिन टीम इंडिया ने आखिर तक जो है न्यूजीलैंड को नाक को चने चबवाए। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने आज इंडिया टीम के हारने के ऊपर सेलिब्रेशन मनाई। इसके ऊपर आज हम बड़ी बात करेंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो पे आ जाएं, कमेंट सेक्शन में हिंदुस्तान की जो उन्होंने जिस तरह से खेला है उसको मुबारकबाद दें और सब बोलें वेल प्लेड इंडियन टीम। अब बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की। आज की प्रमुख सुर्खियों की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि पुलवामा हमले के बाद से लेकर अब तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 93 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है, जो एक खुशखबरी की बात है। 93 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देना, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी। अगली खबर की बात करें तो एक नौजवान के साथ फिर से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है जम्मू के अंदर, जिसके अकाउंट में से 5,000 रुपये फ्रॉड के तौर पर जो है निकाल लिए गए। अगली खबर की बात करें तो कश्मीर के अंदर जो है समर वेकेशंस की जो बात की जा रही थी वो अब जुलाई 15 से लेकर जुलाई 24 तक रहेगी। इसके साथ साथ अगर अगली खबर की बात करें तो इस बार पहली बार अलकायदा का चीफ अयान अल ज़वाहिरी ने जो है कश्मीर को लेकर एक जो है वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो है ये कहा है कि कश्मीर के अंदर जो है जिस तरह से वो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि MHA बड़ी सक्रिय है, और MHA का ये कहना है कि वो इस वीडियो की छानबीन कर रहे हैं और अलकायदा को जो है आड़े हाथों लेंगे। अगली खबर की बात की जाए तो आसिया अंद्राबी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के घर की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया गया NIA द्वारा, और NIA का ये कहना है कि जो आसिया अंद्राबी है वो अपने घर से जो है कई आतंकवादी गतिविधियों के साथ जो है सम्मिलित पाई गई हैं, और जो सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम ये सभी अलगाववादी नेताओं के साथ साथ आसिया अंद्राबी के जो घर है वो ये देखने को मिला है कि उनके घर से जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती थी, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होती थी। अब बात करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे की। आज का जो प्रमुख मुद्दा है भारतीय टीम, आज का स्पेशल मुद्दा। हालांकि भारत जो है न्यूजीलैंड के साथ आज मैच में हार गया, लेकिन इंडियन टीम ने जो आज नाको चने चबवाए हैं अंग्रेज़ों के, वो याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड का मैच किसके साथ हुआ था। हालांकि आज की हार का इतना दुख नहीं है जितनी इस चीज़ की खुशी है कि इंडियन टीम हमारे जितने भी धुरंधर हैं उन्होंने आज नाको चने चबवा दिए। और हालांकि शुरुआत में ही हमारी जो है मेन 3 विकेटें आउट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडियन टीम ने पूरी क्रिकेट टीम को संभाला, आपके सामने न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा दिए, और न्यूजीलैंड के जो चेहरे पे एक मुस्कान थी पहली 3 विकेटें इंडिया टीम की रोहित शर्मा विराट कोहली के आउट होने के बाद, वो मुस्कान कहीं ना कहीं चली गई थी जब तक इंडियन टीम के नो प्लेयर जो है खेल रहे थे। ये है इंडियन टीम का जोश, और जो लोग इंडियन टीम के हारने के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनको तो बहुत शर्म आनी चाहिए। वो तो खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान के करते हैं। पाकिस्तान के क्या गुणगान करने हैं, पाकिस्तान की हालत आपने देखी, हिंदुस्तान ने क्या की, बुरी हालत कर दी। ज़िंदगी में सोचेगा नहीं बैट उठाने की, वो हालत की है पाकिस्तान की, ऐसी हालत की है। इमरान खान भी सोच रहा होगा गलती कर ली वर्ल्ड कप में, और गलती सबसे बड़ी ये कर ली कि वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ मैच हुआ। याद रखेंगे कि पाकिस्तानी टीम भी किन के साथ मैच हुआ था। रात को सपने भी आते रहे होंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के, और जिनके लिए आप ये नाच गा रहे हैं और पटाखे चला रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये सुन लीजिए कि ये जो आपकी सेलिब्रेशंस है ना, ये शो करती है कि आप लोग खाते तो यहाँ का हैं लेकिन गुणगान जो है अपने पाकिस्तान के करते हैं। अगर भैया इतनी ही सेलिब्रेशन मनाने का है तो छोड़ दीजिए पासपोर्ट, छोड़ दीजिए आधार कार्ड, छोड़ दीजिए जो अपने यहाँ के लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, छोड़ दीजिए यूनिवर्सिटी को, छोड़ दीजिए कॉलेजेस को, छोड़ दीजिए स्कूलों को। क्यों यहाँ के आप जो आपके जो आप जो हमारे यंगस्टर्स वहाँ पर पटाखे चला रहे हैं उनके माँ बाप तो सरकारी नौकरियाँ करके इनको पाल पोस रहे हैं। छोड़ दीजिए नौकरियाँ, छुड़वा दीजिए अपने फैमिली मेम्बर से नौकरियाँ, क्योंकि आपको तो हिंदुस्तान के हारने पे सेलिब्रेशन करनी है। शर्म आनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत तो शर्म कर लिया करो। इतनी भी शर्म नहीं आती आप लोगों को कि आप लोग जो है सेलिब्रेशन करते हैं।
और उसके बाद कश्मीर के पोर्टल जो हैं उसमें बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। कौन सी वाहवाही, कौन सी इसकी, किस चीज़ की वाहवाही? शर्म आनी चाहिए, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के खाते हो, शर्म आनी चाहिए। उन लोगों से सीखना चाहिए जो कश्मीर के हमारे कश्मीरी हैं और सरहद के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, SSB में, जम्मू कश्मीर पुलिस में, BSF के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर। सीखो उनसे कुछ जाके, आपको तो कुछ समझ नहीं आती है कि किस तरह से जो है आप लोग जो हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन मना रहे हैं। आपको पता भी है हिंदुस्तान की टीम ने किस तरह से न्यूजीलैंड को नाको चने चबवाए, अभी तक टॉप रेटिंग में थी इंडियन टीम। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं कि भाई सेलिब्रेशन मना रहे हैं कि आप इंडियन टीम के हारने पे? ये हार, इसे हारना नहीं कहते हैं, इसे हार के जीतना कहते हैं। और हिंदुस्तान ने जिस तरह से खेला है, एक एक प्लेयर के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। और बिल्कुल मुझे फ़ख्र है और मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हमारी टीम को लीड जो है विराट कोहली कर रहे थे, हमारी टीम को जो है लीड MS धोनी कर रहे थे, हिटमैन रोहित शर्मा कर रहे थे। इनके जैसे प्लेयर मिल सकते हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि विराट कोहली जैसा प्लेयर उनको मिलेगा। ये है इंडियन टीम के अंदर आज खेलने की हिम्मत। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कश्मीर को चने चबवाए हैं। हालांकि आज कुछ लोग सेलिब्रेशन ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन तो उनको उस दिन मनानी चाहिए थी जिस दिन पाकिस्तान को जो है इंडियन टीम ने हराया था। आज मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा, आज का डेली राउंडअप का प्रमुख मुद्दा इसीलिए मैंने ये चुना क्योंकि डेली राउंडअप में हम रोज़ाना किसी ना किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं। और आज चाहे इंडियन टीम हारी है, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक हिंदुस्तानी आज गर्व के साथ उसकी जो छाती चौड़ी है, और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके हिंदुस्तान की टीम को ये भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमें भी अच्छा लगता कश्मीर के अंदर आज सेलिब्रेशन की तरह जगह आज रैली निकाली जाती और ये कहा जाता कि आज इंडियन टीम ने बड़े अच्छे तरीके से खेला है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि इनको इतनी शर्म नहीं आती जिन्होंने आज सेलिब्रेशन मनाई। किस चीज़ की सेलिब्रेशन मना रहे हो आप? किसी की शादी है क्या कश्मीर में? कोई शादी शुदी नहीं है। इन हिंदुस्तान आज हार गया तो ये सेलिब्रेशन मनाएंगे? खुद सोचिए, देश के बाहर जाना हो तो आप लोग पासपोर्ट हिंदुस्तान का लेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल्स आप हिंदुस्तान के यूज़ करेंगे, ज़्यादा बीमार हो जाए तो एम्स तक पहुंच जाते हैं। हाँ, और कल परसों अगर कोई ख़बरें भी आएंगी तो इनको हिंदुस्तान में जो अपनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मूलभूत असुविधाओं का भी अभाव नज़र आता है तो गवर्नमेंट अब जम्मू कश्मीर से भी आगे गुहारे लगाते हैं कि भाई हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। और शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के हारने के ऊपर ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये तो हालत है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कहूँगा, हमारी जो इंडियन टीम है उसने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। और आज एक एक हिंदुस्तानी आज फ़ख्र से कह सकता है कि हमारी इंडियन टीम है। आपको याद होगा, इंडियन टीम जिस तरह से वर्ल्ड कप में टॉप रैंकिंग तक पहुंची, किस किस टीम को नहीं हराया, और जिनके ये हुक्म बजाते हैं यानी कि पाकिस्तान के, उनको तो पाकिस्तान को तो नाको चने चबवाए। इतनी बुरी हालत कर दी पाकिस्तान की, ज़िंदगी में याद रखेंगे पाकिस्तानी की हुआ क्या। वो तो उनको अफरीदी और अनवर ने भी अपनी बातों बातों में कह दिया कि भाई पाकिस्तान टीम को सोच समझ के जो है आगे अपनी टीम को तैयार करना चाहिए। आज इंडियन टीम के पास जो प्लेयर्स हैं, माना कि आज कुछ लोग निराश ज़रूर हैं क्योंकि इंडियन टीम, हम लोग सोच के बैठे थे कि चलो वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे और फाइनल जीतेंगे, लेकिन चलिए वहां तक नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। कई टीमें तो सेमीफाइनल से भी बाहर हो गई थी, इंडियन टीम में इतनी हिम्मत तो है सेमीफाइनल तक पहुंचने की। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि जो इंडियन टीम है उसमें एक एक हमारा प्लेयर, आपने देखा इंडियन टीम का जो आज का मैच है, देखा आपने लास्ट तक न्यूजीलैंड के छक्के उड़े हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी की लास्ट बैटिंग तक न्यूजीलैंड को, ये उनके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि आज तो मैच गया उनके हाथों से। और एंड में जब जीते तो न्यूजीलैंड के चेहरे पे इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी होनी चाहिए थी, क्योंकि खुशी तो तब होती कि इंडियन टीम के पहले धुरंधर ही स्टार्टिंग में आउट हो गए और उसके बाद उन्होंने जल्दी से सबको समेट लिया। लेकिन इंडियन टीम ने हिम्मत नहीं हारी, 200 का आंकड़ा क्रॉस किया,
इसीलिए वेल प्लेड इंडियन टीम, मुबारकबाद दीजिए सभी लोग हिंदुस्तान के जीतने पर। और जो लोग आज सेलिब्रेशंस मना रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर रह के इस तरह की आप बात करते हैं, आज तो आप लोगों को उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से भी सीखना चाहिए, जिन्होंने आज ट्विटर पे बड़ा अच्छा लिखा और ये भी लिखा कि हिंदुस्तान ने बड़ा अच्छा खेला, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन पता नहीं ये क्यों रोडों पे आके पटाखे चलाने शुरू हो गए। मैंने पहले भी कहा किसी की शादी नहीं थी, बस इंडिया के हारने पे इनको पटाखे चलाने थे, और अभी मेरी बातें भी बड़ी चुभ रही होंगी, चुभने दो। लेकिन भारत का झंडा हमेशा ऊपर रहा है और हमेशा ऊपर रहेगा, इसीलिए 370 और 35 एक ही में हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि इसी स्पेशल स्टेटस के लिए कश्मीर के लोग रोते हैं कि इनको ये स्पेशल स्टेटस दो और उसके बाद ये हिंदुस्तान के हारने के ऊपर नाच गाना करें। ये इसी स्पेशल स्टेटस का नुकसान है सबसे बड़ा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रा गौर से सुनिए, पूरे देश के अंदर कहीं पे भी सेलिब्रेशंस नहीं मनाई गई सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कश्मीर 370 और 35 ए को इंजॉय कर रहा है एक स्पेशल स्टेटस के साथ। अब कोई पूछे इनको स्पेशल स्टेटस किस लिए चाहिए? पत्थर मारने के लिए? इनको स्पेशल स्टेटस किस लिए चाहिए? तिरंगे झंडे के इंसल्ट करने के लिए? इनको स्पेशल स्टेटस किस लिए चाहिए जब हमारा नेशनल एंथम हो और ये बैठे रहें? इनको स्पेशल स्टेटस किस लिए चाहिए जब इन हिंदुस्तान मैच हारता है तो ये पटाखे चलाएं और जब हिंदुस्तान मैच जीतता है तो ये इनके बोलती बंद हो जाती है? इसलिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं ये, और इसलिए पूरे देश के अंदर आज आवाज़ उठ रही है कि 370 और 35 ए को हटा देना चाहिए ताकि कश्मीर के अंदर जो कुछ ऐसे तत्व हैं उनका सर कुचला जाए, क्योंकि 370 और 35 ए की वजह से ही ये लोग जो हैं इस तरह की हरकतें करते हैं और स्पेशल स्टेटस की आड़ में अपने आप को ये बताते हैं कि हम। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान मैच हारी नहीं है, हिंदुस्तान हार के जीती है, इसीलिए वेल प्लेड इंडियन टीम। सभी लोग मुबारकबाद दें हिंदुस्तान की पूरी जनता इंडियन टीम को, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, मोहम्मद शामी, जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब को जो हैं मुबारकबाद दें, और उस मुबारकबाद के चलते जो हैं हमें आज ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी टीम ने सेमीफाइनल तक हमें पहुंचाया और हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंच के अपने देश के झंडे को कहां तक लेके गए। हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी इंडियन टीम के ऊपर, अपने हिंदुस्तान की टीम के ऊपर। मुझे तो फ़ख्र है, आप लोगों को भी फ़ख्र है, तो आप इस वीडियो पर लिख सकते हैं जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंडियन टीम के एक एक प्लेयर तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी मनोबल और बढ़े। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली के स्पेशल रिपोर्ट JK मीडिया के लिए। जय हिंद।